हरदोई में उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड के शाहबाद गोदाम प्रभारी के खिलाफ 34 लाख रुपए के राशन का गबन करने के आरोप में जिला प्रबंधक ने कोतवाली शाहबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली में दर्ज कराई गई FIR में आवश्यक खाद्य वस्तु निगम के जिला प्रबंधक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि वाराणसी की शिवपुरी तहसील अंतर्गत आशापुर न्यू कॉलोनी निवासी नागेश पाठक आवश्यक खाद्य राज्य वित्त निगम लिमिटेड के शाहबाद गोदाम प्रभारी हैं। दिसंबर 2018 में नागेश पाठक को शाहबाद गोदाम का प्रभार सौंपा गया था। कर्मी के वापस आने पर जब गोदाम प्रभारी से चार्ज वापस देने की बात कही गई तो वो चार्ज देने में आनाकानी करते रहे। जिला प्रबंधक के अनुसार जांच कराने के उपरांत लगभग 34 लाख रुपए का गेहूं चावल गायब पाया गया है। MDM एवं अंत्योदय कार्ड धारकों का राशन भी इस गबन में शामिल है। ASP त्रिगुण विशेन ने बताया कि शाहबाद कोतवाली में देर शाम जिला प्रबंधक ने गोदाम प्रभारी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। देखिए, शाहबाद में कल जो है जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु निगम के द्वारा एक मुकदमा कायम कराया गया है अपने गोदाम प्रभारी के विरुद्ध। उन्होंने जो है जो उसका गेहूं चावल या जो भी चीज़ें स्टोर करी गई थी उसमें जो है कमी पाई गई और उसमें से कुछ माल गायब कर दिया है, जिसकी कि उनके द्वारा जो वैल्यू आंकी गई है वो लगभग 34 लाख रुपया है। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी मुकदमा कायम हुआ है, कार्रवाई की जा रही है इन्वेस्टिगेशन। किसके विरुद्ध संबंध है? मैंने बताया ना, जिला जो है जिला प्रबंधक के द्वारा अपने गोदाम प्रभारी के विरुद्ध ही मुकदमा कायम कराया गया है, जो शाहबाद के थे। CIBN इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।